अब शहर में नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बलवादी गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक लोगों ने ईसाइयों के द्वारा आयोजित प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती ने धर्म परिवर्तन कर लिया। यह तब हुआ जब इस बस्ती की एक महिला केवला देवी के बेटे का अचानक तबीयत खराब हो जाती और डॉक्टर से इलाज कर वो थक चुकी थी, तो किसी ने बताया कि ईसाई धर्म के किसी के पास जाओ। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग उसके गांव में पहुंचे और घर पर प्रार्थना की और पानी दिया। उसके बाद उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद इसे देख धीरे धीरे महादलित परिवारों में ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ गई और लोग अपनी परेशानियों को लेकर वहां जाने लगे। उसके बाद इस परेशानी उन लोगों की दूर हो गई। पास के गांव वाजिदपुर में किसी के घर में रविवार को ईसाई धर्म के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। उसी प्रार्थना में सभी महादलित महिला पुरुष शामिल हो गए और हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया। क्रिश्चियन धर्म आपने अभी अपना ही है? हाँ। कब से अपना ही है? 15 साल। 15 साल कोई आके बोला था कि खुद से ही? नहीं बन, कोई बोला था, आप कोई गली गली किताब लेके आया ना, तो किताब लेके घूमा तो वही किताब ने आदमी पढ़ा, तो इसलिए किताब के अथि से आदमी बना और कोई नहीं दबरदस्ती बना। आप पहले हिंदू धर्म अपनाए, उससे क्या दिक्कत लगा जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए? सुनिए सर, हमको तो दिखाते बचपन से बड़ी 2 घंटा 3 घंटा बेहोश हो जाते हैं, तब छठियाँ पाठियाँ हम दिखाएँ तो हमको ओझा नहीं सुना तो हम मन ने दिमाग लगाया कि हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा हम भी होश रहते हैं, 4-5 बाल बच्चा है, हम मर जाते हैं तो बाल बच्चा के कौन देखेगा। इसलिए हम यीशु मसीह ने हम बन गया, तो यीशु मसीह के हम कारण सुखी थे। पहले तो हिंदू धर्म मानते थे सर। अच्छा, सामने देखिए। हिंदू धर्म मानते थे तो हिंदू धर्म मानते मानते बहुत शैतान से परेशानी थी। अच्छा। तो बहुत परेशानी होते होते कि देख तो इतना पूज रहे हैं, काट रहे हैं, कर रहे हैं दिन में, तब पर भी हमको चंगाई नहीं है। तो सुने कि यीशु मसीह का प्रचार होता है ना, तब इसीलिए हम तेल पानी प्रार्थना करके हम भी मांगे किसी से, प्रार्थना पहले करते थे तब तो हमको चंगाई है। बहुत एकदम दिल दिमाग एकदम लगता था ना हमको, एकदम पागल तर एकदम को हमको रहने के दिमाग नहीं पहले करता। देखिए, 2 दिन पहले ये बेलमार ताड़ की घटना धर्म परिवर्तन का न्यूज़ 18 के माध्यम से आया था, तब से विश्व हिंदू परिषद ने अपने संज्ञान में लिया। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही धर्म परिवर्तन का ये रामलीला चल रहा है। और ये दक्षिण बिहार प्रांत के जिम्मे के नाते हमारे अध्यक्ष जी को जब सूचना हुई तो उन्होंने हम लोग को सूचना किया कि बेलमार ताड़ एक जो गया शहर से मात्र 5 किलोमीटर के नज़दीक है और इतने बड़ी षड्यंत्र के साथ जो धर्म परिवर्तन चल रहा है वो हमारे समाज के लिए खतरा है। को कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि काफ़ी लोग का धर्मांतरण हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें लगे हैं। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग को मीडिया के द्वारा ही पता चला, मीडिया के द्वारा ही पता चला, तो फिर हम लोग आए और सारे लोग से मिले तो देख रहे हैं हजारों की संख्या में हैं लोग। हाँ, समझा रहे हैं लोग को, एक दिन में तो नहीं होगा, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सारे लोग वापस होंगे। लोग तरफ से क्या कहना? बातचीत में निष्कर्ष से यही निकला कि धर्मांतरण के पीछे अंधविश्वास मुख्य मुद्दा है और अशिक्षा। इन लोग के दिमाग में ये भर दिया गया है कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, यीशु मसीह में शक्ति है, उसमें आप रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। कितने लोग अभी तक कर रहे? लगता है कम से कम हजारों लोग इस क्षेत्र में हैं, ऐसे काफ़ी घरों में गए हैं, लगता है 1000 से कम लोग परिवर्तित नहीं हुए। मेरा नाम महेश प्रसाद सिन्हा हुआ, उपाध्यक्ष दक्षिण बिहार विश्व हिंदू परिषद। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन, पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें डब्ल्यू